हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाले मतदान केंद्रों पर नैनीताल जिले के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान बूथों पर ईवीएम मशीन को आज पूरे प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। वहीं एमबी इंटर कॉलेज में बने जिला निर्वाचन कार्यालय से नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बने मतदान केंद्रों पर आज पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया, जिस पर प्रशिक्षण केंद्र के संयोजक ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात थोड़ा प्रभावित हो जाता है। इसके लिए सभी पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान केंद्र पर प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उन्हें कंट्रोल रूम से सभी जानकारी और अधिसूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है। कल हल्द्वानी शहर और रामनगर के आसपास के क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी दी जा रही है कि कैसे वीवीपैट से वोट कास्ट करेगा बंदा उसका और कैसे उसको डालना है, किस तरीके से 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा वीवीपैट में और कंट्रोल यूनिट के द्वारा बैलेट इशू करते हुए इनको पूरा बताया गया है कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे मतदाता देगा। और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए हम पूरी तरह इनको ट्रेन कर चुके हैं, 3 बार प्रशिक्षण हो चुका है और आज जो है पोलिंग पार्टी भीमताल वाले जा रहे हैं तो इनको हमने सुबह पहले बताया था कि भाई इस तरीके से इसको देख लें एक बार, फाइनली अगर किसी की कोई क्वारीज हैं तो उसको हम क्लियर करा देंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।